नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आप अच्छे होंगे आशा करते हैं हम। तो देखिए, हमारे जो है आपके जो मैथ्स में जो है आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर में हम जो चला रहे हैं जो फर्स्ट पेपर का पार्ट बी यानी कि लीनियर एल्जेब्रा, और उसमें चल रहा है जो टॉपिक वेक्टर स्पेस, जिसकी अभी तक जो हमने है तीन लेक्चर कर लिए हैं। और उस तीन लेक्चर में पहला लेक्चर तो था हमारा जो वेक्टर स्पेस को समझने के लिए जो जरूरी चीज़ें थी, जैसे कि आपका था ग्रुप, रिंग एंड फील्ड, उसके बाद आपकी वेक्टर स्पेस की जो थी डेफिनेशन थी, और उस डेफिनेशन से बाद में हमने जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पढ़ी। और आज हम दो या तीन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि अभी हमारे यहाँ पर तो देखिए बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से हमने क्लासेस शुरू कर दी है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली क्या है एग्ज़ाम वगैरह में आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, और जैसे ही बुक अवेलेबल होगी हम बाकी के क्वेश्चन भी कराने शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम जो है फिफ्थ सेमेस्टर के वो बहुत जल्दी होने हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पहले आपको एक बार जो है आपकी थ्योरी सारी करा दी जाए, थ्योरी और जो डेफिनेशन और जो आपकी जो है थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ वगैरह करा दिए जाएँ, और जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। इसके बाद जैसे हमारे पास बुक अवेलेबल होगी हम बाकी लास्ट में कुछ क्लासेज में है ना वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे, तो इस बात से आप निश्चित रहिएगा। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर द वैक्टर वी, और वैक्टर वी क्या है, कैसे डिफाइंड है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर क्यूब, आर क्या होता है रियल नंबर का सेट होता है, और ये कैसे डिफाइंड है 2x plus 3y cube minus 4z square is equal to 0, ठीक है? Is a vector space or not? क्या ये vector space है या नहीं है? तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, कोई दो पॉइंट हम मान लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, v यानी कि वेक्टर x y z belongs to R cube, और ये डिफाइंड है 2x plus 3y cube minus 4z square is equal to 0। यानी कि हमें x, y, z इस तरह से लेने हैं कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। तो देखिए, कोई भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि जैसे अब मैं मान लेता हूं कि अभी क्या होगा कि अगर हम x और y, z की जगह रखें तो वो 0 हो जाए। तो पॉइंट्स मैं ले लेता हूं जैसे कि 2, 0 and 1, क्योंकि 2 × 4 और 0 अगर हम इसमें रख के चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 4 − 4 यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई जो है पॉइंट अगर हम चेक करें कि देखिए दो कोई भी पॉइंट्स हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है तो आप अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट इसमें जो है रख सकते हैं। तो एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए 8, 0 and 2 यानी कि दो पॉइंट्स हैं, ये हम ले लेते हैं कि टेक 2, 0, 1 and 8, 0, 2 जो है ये पॉइंट लेते हैं, ठीक, यानी एक्स वाई जेड की जगह, और दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो कंडीशन है क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हमें चेक क्या करना है, क्या करना है चेक, जो अब तो सबसे पहले देखिए हमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। और जो हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास ए बिलोंग्स करता है वी को और B बिलोंग्स करता है B को, तो दोनों का जो सम कर देते हैं वो आना, वो भी बिलोंग्स करना चाहिए B को, ठीक है, जो ग्रुप, जो कि ग्रुप की भी पहली ही प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स बिलोंग किसे कर रहे हैं, V को, देन इनका जो सम है अगर हम इनका सम कर देते हैं दोनों का तो इनका सम आ जाएगा 2 and 8, ये हो गया 10, 0, 0, 0 और 1 and 2 ये हो गया 3। अब अगर हम ये जो पॉइंट है यहां पर रखते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं,
ये पॉइंट्स रखते हैं, चलिए 2 × 10 प्लस 3 × y की जगह 0 और 4, 3 का स्क्वायर तो हो गया 10 × 20, ये 0 और 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 4 जा 36, जब 36 माइनस और 20 प्लस तो माइनस 16 आया। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, और सबसे मेन बात क्या है, ये जो पॉइंट माइनस 16 है इसके अंदर जो है ना वेक्टर के अंदर तो शायद हो भी सकता है, लेकिन आपकी ये जो ये कंडीशन है इसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए इस तरह से क्या है, ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, यानी कि इन्होंने कंडीशन लगाई हुई थी कि एक्स वाई जेड इसके अंदर है और हमने कोई दो पॉइंट लिए। देखिए इसका सम क्या है कि रियल नंबर, ये चलिए मान लिए रियल नंबर है भी या इसके अंदर है भी, लेकिन ये जो गिवन कंडीशन है इसे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, तो जो है दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो एडिटिव वेक्टर जो है आपका, ये आप इसे लैंग्वेज लिख सकते हैं एडिटिव वेक्टर, एडिटिव वेक्टर यानी कि जो वेक्टर ऐड होकर आया, क्या आया था हमारा 10 0 3, इज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू वी, देयरफॉर डज नॉट बिलोंग्स टू वी, देयरफॉर। देखिए पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो आगे की तो बात जाने दीजिए, हमारे पास टोटल 10 कंडीशन होती हैं वेक्टर, जो वेक्टर स्पेस बताने के लिए। अब उनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो जो है वेक्टर स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पर तो देखिए सीधी सी बात है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो देयरफॉर वी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये आपका जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये क्वेश्चन पिछले कुछ टाइम में आए हुए भी हैं तो इसलिए हम इन्हें करा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास देखिए मैंने बताया कि बुक अवेलेबल नहीं है। तो एक इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका चेक वेदर द सेट वी, और वी कैसे डिफाइंड है कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं आर क्यूब को, और ये इसकी कंडीशन है कि ए माइनस बी डॉट जो सी होना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि गिविन क्या है, गिविन है हमारे पास वी और ये है ए बी सी बिलोंग्स आर क्यूब डैश ए माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू हमें ऐसी माननी है जैसे पहले पॉइंट्स निकाले थे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी ए बी सी की वैल्यू इस तरह से रखें कि 0 हो जाए। तो मेरे हिसाब से हम अगर देखिए सी को 0 ले लीजिए, बाकी ए बी आप कुछ भी रखिए, तो ऐसा पॉइंट होगा आप कोई भी मान लीजिए। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कुछ भी, मतलब 350, बस मतलब हमें सी को 0 रखना है, तो सी की जब इसमें गुणा होगी तो ये 0 ही हो जाएगा। और कोई एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए इसमें ए और बी इक्वल हो और सी कुछ भी हो, यानी कि ये सपोज ये 2 और ये हो गया 6। ठीक, इस तरह से 2 पॉइंट हैं और जो बिलोंग्स कर रहे हैं बी को। ठीक है, जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा और ये इज इक्वल टू 0 आएगा। चलिए इसके बाद क्या है, हम सबसे पहले जो इसकी एडिटिव जो प्रॉपर्टी है, यानी कि देखिए 10 प्रॉपर्टीज होती हैं, 10 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसे अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। और अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है, ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं बी को, तो दोनों का जो एडिटिव जो आएगा वैक्टर या जो एलिमेंट आएगा वो भी बी को बिलोंग्स करना चाहिए, हमें बस यहाँ पे ये चेक करना है। उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो अगली कंडीशन पे, उससे बाद अगर सारी और इस तरह से करके 10 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हुई डेफिनेशन में उन्हें सेटिस्फाई करना है, तब जाकर हमारा ये प्रूव होगा कि वेक्टर स्पेस है। तो देखिए अभी क्या है, इन्हें ऐड कर लेते हैं 350 प्लस 226, जब हमने इन्हें ऐड किया तो 3 × 2 = 5, 7 और 6 ये हमारे पास आ गया। अभी अगर हम इसे यहाँ पर रखें तो ए की जगह 5 - 7 और 6 तो आ जाएगा -12।
जबकि माइनस 12 इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरो आना चाहिए था, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब है कि जो है माइनस 12 बिलोंग्स नहीं कर रहा है वी को, ये भी बात हो गई। तो क्या होगा, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आगे करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए यहां लिख लेते हैं देयरफॉर द क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या होगा, जब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, हैंस बिकॉज हैंस वी इज नॉट ए वैक्टर स्पेस, ठीक है, कि आपका वैक्टर स्पेस नहीं होगा। इसके साथ ही अब हम आगे देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि हम बाकी के क्वेश्चन जो है इसके, अगर जब बुक हमारे पास अवेलेबल होगी हम तब कर लेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन, एक दो मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराए हैं, यही काफ़ी हैं। अगर हमें लगेगा, और देखिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो तो आपको क्या है कहीं से इधर उधर से उठा के नहीं कर सकते हैं, जब कोई अच्छी सी बुक आ जाएगी उसी से देख के करते हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ पर समस्या क्या हो रही है, अभी बुक अवेलेबल है ही नहीं और ऑनलाइन जो बुक मंगा रहे हैं उनकी डिलीवरी 10 से 15 दिन दिखा रहा है। तो समस्या ये आ रही है कि हम बुक ऑनलाइन भी मंगाए तो 10 से 15 दिन लग रहे हैं, तब तक के लिए अभी क्या किया जाए। तो तब तक क्या करते हैं हम, जो इसकी जो आपकी जो पार्ट भी है इसमें डेफिनेशन होती हैं और आपकी जो है थ्योरम्स होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही कुछ एग्जाम्पल और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो लोगों को सबको पता ही होता है, वो हम करते हैं। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उन क्वेश्चंस को हम बुक आने के बाद में हम कभी भी कर सकते हैं। देखिए एक बार आप इसे जो है ना, इसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं तो आप क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि आपको अगर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन पर हो जाएंगे। फिर क्या है, एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, एक दो क्वेश्चन कि जिसमें मैंने प्रूव करा दिया था कि जो क्वेश्चन है वो वेक्टर स्पेस होता है, वो तो हो चुका है। अब जो हमसे नहीं होते हैं वो मैंने आज यहाँ पर करा दिए। तो देखिए ये हमारा जो पहला टॉपिक खत्म हो गया वेक्टर स्पेस, और कल हम अगला टॉपिक चलाते हैं वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस में भी हम क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन प्रूफ थ्योरम जो भी है और कुछ एग्जांपल्स वो करेंगे। इसके बाद अगर बुक आ जाती है तो क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मली आते हैं जैसे लास्ट के 2-3 साल के एग्जाम में आए हैं तो वो मैं कराऊंगा। तो फिलहाल देखिए आज के लिए इतना ही, और आप लगातार जो है वीडियो देखते रहें और अपने कोर्स को ना अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करके चलें। देखिए वैसे भी जो एग्ज़ाम में है, मैं आपको बता दूं, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि ज़्यादातर क्या आता है डेफिनेशन और थ्योरम्स सबसे ज़्यादा आती हैं और कुछ एग्जांपल्स जो थ्योरम के टाइप में होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो जो जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं तो आप निश्चित होकर उसे करते रहिए, उसके बाद आप जल्दी ही जैसे हमें बुक अवेलेबल होगी, तो जो लोग सिलेबस के लिए चिंतित हैं मैं उनको बता दूं कि हम जो है ना पार्ट ए जो बुक है, जो आपकी जो रिंग थ्योरी है उसे भी साथ में ही शुरू कर देंगे। यानी कि ये तो चलती ही रहेगी और उसे भी साथ में शुरू कर देंगे। और देखिए ज़्यादा इन दोनों की जो पार्ट हैं 30-30 आपके क्लासेस में जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 30 क्लास ही और 30 क्लास ही, वैसे 2 महीने लगते पूरे फर्स्ट पेपर को होने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे साथ ही चला दें, 30 से 40 दिन में हम पूरा फर्स्ट पेपर पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और अभी देखिए फिजिक्स की क्लासेस भी रेगुलर होने वाली हैं या हो चुकी हैं, क्लास आ चुकी होगी, और केमिस्ट्री की भी। तो आप जो 5th सेमेस्टर वाले हैं वो अपनी जो है 5th सेमेस्टर की जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। हालांकि कुछ जगह पर अभी बुक्स और जो है कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि समस्या क्या है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुके हैं 4th सेमेस्टर के, कुछ में तो अभी जैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर तो अभी 3rd सेमेस्टर के हुए हैं, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू शायद हुए हैं, 1 या 2 एग्ज़ाम हुए, और कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और कुछ में तो 5th सेमेस्टर के चलने वाले हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी का लगभग स्थिति क्या है, अलग अलग है।
तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर अभी शुरू ही नहीं हुआ है, फोर्थ के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले ही, तो उस वजह से क्या है यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। और जो ऑनलाइन हम जो अभी देखते हैं एक दो चीज़ें हैं जो मतलब नए नए पब्लिकेशन हैं, लेकिन वो क्या है उनकी डिलीवरी काफ़ी 10 दिन 12 दिन बाद दिखा रहा है, और वो बुक मुझे लगता भी नहीं थोड़ा कुछ अच्छी हैं। अभी कह रहे हैं कि 2-4 दिन या 5-7 दिन वेट करने के बाद बुक आ जाएंगी, तब तक क्या है आप जो हमारे जो हम आपको तैयार करा रहे हैं आप उसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसे कंप्लीट करने पर ही आपका जो है ना 80-90% सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन पेपर में कि ज़्यादातर जो है लीनियर अलजेब्रा में आपकी जो थ्योरम्स और जो एग्जाम्स और उनके प्रूफ और कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। और नई चीज़ें जो नए क्वेश्चन हैं वो थोड़ा जैसे एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स टाइप के वो थोड़ा सा लगाते हैं, वो चीज़ें हम आपको करा देंगे, उस चीज़ से आप निश्चित रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, तो अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासेज रेगुलर लेते रहिएगा।